रोटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है टू डिस्क हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:2 एंड रेडियाई इन द रेशियो 1:8। ठीक है भाई, दो डिस्क है उसका मास 1:2 में दिया हुआ है और उसका रेडियस 1:8 में है। रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग वन बाई वन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट एच। एच हाइट के इंक्लाइन प्लेन से दोनों रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड एज। देखिए भाई, तो यहाँ से ये रोल करता हुआ आ रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो मान लेते हैं पहले वन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, m1 के लिए। तो जब यहाँ से ग्राउंड पे ये आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कितने का कमी आएगा, mgh का। पहले h हाइट ऊपर था और अब जब नीचे आ गया तो h हाइट नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना कमी आया इसमें, और इतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा यहाँ। तो चूंकि ये रोलिंग कर रहा है यानी कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों इसमें है, इसलिए इसमें दो काइनेटिक एनर्जी लिखना है। कैसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी में, तो एक लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं। ये किसके अबाउट आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ कि कोई भी रोलिंग करेगा बॉडी तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखना है आपको, हाफ एम और वी स्क्वायर में सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का स्क्वायर लिखना है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन कराना है इसको। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ पर्सन को ये प्योर रोटेशन करता हुआ दिखेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए और ये ओमेगा ऑफ डिस्क है, क्लियर, या जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसका ओमेगा है। और हाफ एम वी स्क्वायर में वी किसका लेना है, सेंटर ऑफ मास का। ऐसे लिखते हैं रोलिंग बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास क्या करता है, वो तो ट्रांसलेशनल रोलिंग में क्या होता है बताइए, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, कि सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट तो प्योर ट्रांसलेशन करता है इसलिए उसका हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास पे बैठा जाए अगर जाकर तो वो बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ अपीयर होगा, इसलिए उसके लिए ओनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। तो अगर दोनों कर रहा है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इन दोनों तरह का एनर्जी को लिखा जाएगा। तो बस ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया और ये प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर को एज इट इज लिखे, और आई वन को चूंकि ये डिस्क था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा को लिखते हैं हम लोग वी बाई आर, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर था तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको फिर काटा पीटी आराम से मचा दीजिए, जो जिसको मार रहा है मारने दीजिए, इसको ये मार दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, ऐसे सब एक दूसरे को तबाही मचा दिया। ये तबाही मचाने के बाद ये इधर बच गया जी एच, और इधर आ गया वी वन स्क्वायर बाई टू, और इसमें आ गया वी वन स्क्वायर, और ये दो और दो चार, ठीक है, तो वी वन स्क्वायर बाई फोर आया। सॉल्व करने पे इसको फोर जी एच, ये फोर एल सी एम लेंगे इन दोनों का, फिर फोर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जो वेलोसिटी आया ये तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास एंड आर आ गया, जबकि क्वेश्चन में मास का रेशियो और आर का रेशियो दिया हुआ था दो बॉडी के लिए, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे ना तो मास से मतलब है ना मुझे आर से मतलब है, क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी आया है भी यहाँ से जो निकल कर आया है वो मास और आर से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट का जिसका मास का रेशियो और रेडियस का रेशियो कुछ भी दिया हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट जब आएगा ग्राउंड पे इंक्लाइन प्लेन से तो उसकी वेलोसिटी 1:1 रेशियो में होगी, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।